झारखंड की राजनीति में आज बड़ा बदलाव हो सकता है। रांची में सीएम हाउस में चल रही बैठक बहुत कुछ बयां कर रही है। क्या झारखंड में सीएम बदल जाएंगे या फिर झारखंड की राजनीति में कुछ नया देखने को मिल सकता है? इन्हीं सवालों के साथ हजारीबाग अपडेट्स में आपका खूब खूब स्वागत है। सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, वहीं चंपई सोरेन जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 5 दिनों पहले जेल से रिहा हुए हैं। उनकी रिहाई के साथ ही झारखंड की राजनीति गर्मा सी गई है। सीएम आवास पर आज इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है। बैठक में जेएमएम, कांग्रेस और राजद के विधायक और मंत्री भी शामिल हैं। आज की इस बैठक को कई लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम चंपई सोरेन के कई कार्यक्रम आज के स्थगित कर दिए गए हैं। सभी कार्यक्रम को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन उनके मोराबादी स्थित आवास पर मिलने भी गए। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच लगभग आधे घंटे से अधिक समय तक बातचीत हुई है। इस भेंट को काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की माने तो उन्होंने भी सीएम चंपई सोरेन से मुलाकात की है। आज की इस बैठक को राज्य की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में इस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई हैं। बैठक से पहले ही सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है, गर्मा गया है और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। माना यह जा रहा है कि विधायकों की मौजूदगी में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। चर्चा है कि सत्ताधारी विधायक हेमंत सोरेन को फिर से नेतृत्व सौंपने पर सहमति बन सकती है और फिर कोई बड़ा सियासी फैसला लिया जा सकता है। इन्हीं बातों को लेकर सत्ता पक्ष के भीतर भी हलचल तेज हो गई। वहीं हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाद कल्पना सोरेन की बात करें तो वो और अधिक सक्रिय हो गए। कल्पना के साथ होने को राजनीतिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। आज की इस बैठक को लेकर जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि गठबंधन की बैठक बुलाई गई है, इसमें वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चाएं की जाएंगी, विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी, सरकार ने अब कितना काम किया, क्या काम हुआ, क्या अब काम छूट गए, इन सारी बातों पर आज बातचीत हो गई। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने यह भी कहा कि बैठक विधानसभा चुनाव को लेकर बुलाई गई। इस बैठक में जो निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा। झारखंड में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सियासी गलियारे में भी चर्चा है कि निर्वाचन आयोग समय से पहले ही चुनाव कराने के मूड में नजर आ रही है। माना जा रहा है कि सितंबर में तारीखों की घोषणा हो सकती है और अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। अगर इन अटकलों को सही माना जाए तो चुनाव से लगभग 3 महीने पहले हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए। आपकी क्या राय है कमेंट करके जल्दी से बताएं।